हम आए तो थे पार्क देखने, लेकिन पार्क है बंद। अब यार अब क्या करें। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी जा रहा हूँ मैं एक नए पार्क में, उस पार्क का नाम है ऑक्सीजन पार्क। तो पहले जा चुका हूँ लेकिन बाहर तक, अंदर नहीं घुसा हूँ। तो अभी जाएंगे और पीछे देख सकते हैं हायाबुसा, अनलिमिटेड माइलेज वाली हायाबुसा, जब तक कि टायर लीक ना हो जाए। साइकिल लेके जाते हैं और राधानगर में साइकिल रख के वहाँ से बस लेके पार्क तक जाएंगे। चलिए, तो पहुँच गए राधानगर, साइकिल को रख दिए यहाँ पे। पार्किंग देना है, पार्किंग वाला कहाँ है? कहीं है ही नहीं यार, छोड़ो ऐसे ही चलते हैं, कौन लेता है पार्किंग। अभी ये सामने वाली बस लेंगे। तो गाइस आज तो सबसे बड़ा पोपट हो गया। हम आए तो थे पार्क देखने, लेकिन पार्क है बंद। अब यार अब क्या करें, ऐसे तो खुला रहता था हर दिन, पता नहीं आज क्या हुआ, आज तो पूरा बंद ही हो गया है, कोई नहीं है अंदर। ताला मारा, इतना बड़ा ताला दिया हुआ है। तो टिकट काउंटर में भी कोई नहीं है। अरे यार मंडे क्लोज डे है, अरे मंडे को बंद रहता है यार। दैट आज मंडे है, मुझे पता नहीं था मैं आ गया यहाँ पे। वैसे ये देख लीजिए आप यहाँ पे मैप, वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप, मैप ऑफ ऑक्सीजन पार्क। काफ़ी बड़ा पार्क है भाई, बहुत बड़ी पार्क। और ये बड़ा सा लंग्स बना हुआ है पार्क के सामने, इसीलिए इसका नाम है ऑक्सीजन पार्क। यहाँ पे आके ऑक्सीजन लो फ्री में, ये रहा लिखा हुआ गोल्डन में। वाह, ऑक्सीजन पार्क साल बगान इनॉग्रेटेड बाई श्री विप्लव कुमार देव XCM। मैं सोचा मस्त ब्लॉगिंग करूँगा यहाँ पे आके, तो कोई नहीं है। कैसा है यहाँ से आपको अंदर से दिखा देता, बाहर से। वाह, जंगल ही जंगल, काफ़ी ऑक्सीजन है अंदर। यार हम लोग मतलब जो भी पार्क में गए थे इससे पहले, हर पार्क में मतलब तीन रास्ते थे। नेहरू में गए थे, हेरिटेज में गए थे, रविंद्र कानन गए थे, तीनों में तीन तीन रास्ते थे। ये एक लौता पार्क है जहाँ पे एक सीधा रास्ता है, साइड में कोई रास्ता नहीं है, काफ़ी अच्छा है, यूनिक। तो मतलब ये काफ़ी यूनिक सा पार्क है। वैसे यहाँ की पार्किंग सही है भाई, एकदम मस्त पार्किंग है, बहुत बड़ी जगह है, बीच बीच में पेड़, पूरा फॉरेस्ट कवर ऊपर से, बहुत बढ़िया। और इस तरफ जो रोड जा रही है ये एक्चुअली जाती है मेरे कॉलेज की तरफ, होली क्रॉस कॉलेज। जाएंगे एक दिन कॉलेज भी जाएंगे, आज तो नहीं होगा, वेस्ट हो गया दिन, बकवास। पार्क भी कभी बंद रहता है बताओ, पार्क कोई बंद करने की चीज़ है? एक तो साइकिल चला के आया एनर्जी वेस्ट, फिर बस से आया 10 रुपया वेस्ट, अब यहाँ से फिर 10 रुपये से वेस्ट घर जाऊँगा, अब फिर जाएंगे 10 रुपये से बस से घर, घर नहीं मतलब राधानगर, वहाँ से साइकिल लेके फिर। क्या जंगल है उधर, वो पूरी तरह से हरियाली हरियाली। यहाँ पे भाई साहब मछली पकड़ रहे हैं, नाली से मछली पकड़ रहे हैं, काफ़ी एडवेंचर माहौल है। बस नहीं मिल रही है क्योंकि अभी कॉलेज की छुट्टी होने का टाइम है और बस भर भर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो अभी पैदल ही जाना पड़ेगा कम से कम 1 किलोमीटर। यहाँ से थोड़ी दूरी और, तो गाइस बस स्टैंड तक तो पहुँच गए, लेकिन बस स्टैंड नहीं जाएंगे हम, जाएंगे वो सामने वाले पार्क में जाएंगे, क्योंकि वो नया रिसेंटली बना है वो पार्क, कभी गया नहीं हूँ। और चलिए उसको चेक करते हैं कैसा है अंदर से। भाई ये तो कई मस्त पार्क है भाई, एकदम। तो ये अल्बर्ट एका पार्क इनके नाम पे है, ये कौन सा पोस्ट है, LNK जो भी है, कोई सोल्जर रहे होंगे तो इनके नाम पे ये पार्क है। तो आइए अंदर जाते हैं, टिकट विकेट तो नहीं लगता है बाहर, टिकट तो नहीं चाहिए शायद। अरे भाई टैंक, ओ भाई ये तो और एक। तो
तो देखिए, इस पार्क का इनाग्रेशन मैंने कहा था ना, बहुत ही रिसेंटली हुआ है, 17 अगस्त 2022 को इस जगह का इनाग्रेशन हुआ है। तो आइए आगे घूमते हैं। इधर ये टैंक को बाद में देखेंगे, पहले इधर एक साइड से देख के आते हैं। तो यहाँ से बैठने के लिए जगह है काफ़ी सुंदर टाइल्स में, और ये है त्रिपुरा का ट्रेडिशनल डांस। इस डांस का नाम मैं भूल गया, अभी याद नहीं आ रहा है। बाकी इसके पीछे देख सकते हैं बैम्बू ट्री, और ये है कोई क्लासिकल सॉन्ग वॉन्ग, शायद कोई होंगे ट्राइब सॉन्ग्स, ऐसे बजाते हैं। काफ़ी बढ़िया बनाया गया है यही कोई। तो इस पार्क को जो बनाया गया है, मतलब त्रिपुरा के क्लासिकल कल्चर के ऊपर बनाया गया है देख करके, और थोड़ा बहुत मतलब जो अल्बर्ट एक्का का जो मतलब हिस्ट्री है, वॉर हमारा जो त्रिपुरा का, त्रिपुरा के जो फोर्सेस है उन पर बनाया गया है। और यहाँ पे बहुत सुंदर कार्विंग्स सीमेंट पे बनाया गया है, काफ़ी बढ़िया। और ऊपर है वो उनाकोटी में जो कार्विंग्स है पत्थरों में, उसका एक रेप्लिका। और यहाँ पे जय हिंद जय हिंद जय भारत। तो अब इस साइड को एक्सप्लोर करते हैं और आखिरी में यहाँ पे आएंगे। ये कुछ पिलर्स, बहुत बढ़िया पिलर्स, यहाँ पे फ़ोटो खींचने लायक जगह है। वहाँ पे व्यू डेक, अच्छा व्यू डेक, बहुत बढ़िया जगह है। अरे लाइट चल गई, अरे भाई सेंसर, ओ भाई यहाँ पे पाव दिया, लाइट चल गई भाई, अरे पूरी जगह पे लाइट चल गई, ओ या फिर किसी ने स्विच दबा दिया। वहाँ पे भी एक डेक है, चलिए उसको भी देख के आते हैं। तो आ गए यहाँ पे इस व्यू डेक में, बहुत ही बढ़िया बैम्बू से बनाया गया। ओ भाई यहाँ से देखिए व्यू, पूरे पार्क का व्यू, मस्त व्यू। और नीचे आ गए, और यहाँ पे भी बैठने की जगह, टाइल्स में इतने बड़े बड़े, ये हमने कॉलेज टीला में भी देखा था। और ये क्या है, तो ये कुछ है सामान रखने का, शायद कोई दुकान वकान है, रेस्टोरेंट्स टाइप, तो सब ऐसे ही है, मुझे लगा बैठने की जगह है। तो अब चलते हैं टैंक की ओर। गाइज़ ये जो आप देख रहे हैं सामने, और ये बड़ी सी टैंक, ये एक्चुअली 1971 इंडिया बांग्लादेश वॉर में जो मतलब ये वही उसी के पार्ट है, इंडिया बांग्लादेश वॉर, और जो उस वॉर में शहीद हुए थे उनका नाम वो वहाँ पे लिखा है, पंजाब रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, उधर बिहार रेजिमेंट, सबके नाम वहाँ पे हैं जो जो शहीद हुए थे। वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मेमोरी ऑफ 57 माउंटेन डिविजन्स। तो आपको दिखाते हैं अब सामने से 57 माउंट डिवीशन ऑपरेशन कैक्टस लिली, ऑपरेशन का नाम था कैक्टस लिली, ये आप देख सकते हैं ऑपरेशन ऑफ 57 माउंटेन डिवीजन। और यहाँ पे जो शहीद हुए थे हमारे वीर जवान, उनके नाम ये ऑपरेशन कैक्टस लिली, और ये बांग्लादेश का प्रेजेंट मैप। GTA की याद आ गई भाई, GTA में ऐसे ही टैंक चलाता था मैं, रोड पे गाड़ियों को उड़ाता था। अभी तक का सबसे बेस्ट पार्क जो है वो यही है, अल्बर्ट एक्का पार्क, सबसे बढ़िया पार्क अभी तक को। यहाँ पे मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है यहाँ पे बैठने से, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद अगर कोई अच्छी पार्क है तो वो हेरिटेज, लेकिन अल्बर्ट एक्का पार्क बहुत मस्त है। पहली बार आया भाई, मज़ा आ गया यार, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा। 10 out of 10 गाइज, एकदम बेस्ट पार्क, बहुत बढ़िया। अब निकलने का टाइम हो गया, अब निकलते हैं क्योंकि घर भी जाना है फिर। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। तो गाइज आपने अमेज़ॉन का नाम सुना होगा ऑब्वियसली, इतना बड़ा ब्रांड है, लेकिन ये क्या है।